नमस्कार, मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्कूल के बाद अब मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से खुलेंगे सभी कॉलेज। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी महाविद्यालय को आगामी 15 सितंबर से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 50% क्षमता के साथ ऑफलाइन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री यादव ने कहा कि जो बच्चे घर में रहेंगे उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। कोरोना काल में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खेल दिवस में उज्जैन की बेटियों को मिलेंगे अवार्ड। अगस्त हर साल देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलों में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और कोच को मध्य प्रदेश सरकार ने भी खेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार साल 2020-21 के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। जानकारी मिली है कि इस बार 13 खिलाड़ियों को एकलव्य, 10 को विक्रम, 1 को स्वर्गीय प्रभाष जोशी और 3 कोच को विश्वमित्र अवार्ड दिया जाएगा। विभिन्न खेलों के लिए मिलने वाले अवार्ड में उज्जैन शहर की 3 बेटियों ने भी जिले का नाम रोशन किया है। खुशखबरी, इन कर्मचारियों को जल्द मिलेगा फेस्टिवल बोनस और बकाया डीए। त्योहार सीजन नजदीक है, ऐसे में रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी पहले से 70 HP महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि का आनंद ले रहे हैं और अब उन्हें बड़ी राहत दी जाएगी। दरअसल दुर्गा पूजा के त्योहार से पहले रेलवे कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। रिपोर्टर्स में कहा गया है कि पिछले साल की तरह ही 78 दिनों के बोनस के रूप में कर्मचारियों के बैंक खाते में 17,951 रुपए जमा किए जाएंगे। उनके वेतन में भारी बोनस के अलावा जुलाई का डीए भी जोड़ा जाएगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सचिव की मनमानी से चल रहा सर्वेक्षण, अनशन पर बैठे नाराज ग्रामीण। भिंड में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन भी मदद के नाम पर सर्वे करा रहे हैं, लेकिन रौन जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण सर्वे में सचिव की अनियमितताओं और मनमानी के चलते अपने को मिलने वाले लाभ से वंचित होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अपने साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। मामला भिंड जिले के रौन तहसील के ग्राम पिठौरा का है, जहाँ विगत कुछ दिनों पूर्व गांव में आई अप्रत्याशी बाढ़ ने पूरे गांव को डुबो दिया है। बाढ़ ने पूरे गांव के लोगों को ऐसा दर्द दिया है कि ग्रामीण जनजीवन पूरा दर्द से जूझ रहा है। ऐसे में पूरा गांव सिर्फ शासन प्रशासन के रहमो करम पर है। मुख्यमंत्री शिवराज आज करेंगे ऋण वितरण और हितग्राहियों से संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को ऋण वितरण करेंगे एवं उनसे संवाद भी करेंगे। रविवार दोपहर बालाघाट में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद और ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह भी वर्चुअल शामिल होंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण 1 जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक कुल 4,02,000 शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 3,50,000 हितग्राहियों को लंबित कर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में 6,72,000 शहरी पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में अनुपयोगी खर्चों पर रोक लगाने के लिए शिवराज सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल सूत्रों की माने तो कई विभागों ने एक एक प्रकृति वाले विभागों को एक दूसरे में मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि जल्द एक समान प्रकृति वाले विभागों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी कवायद 3 साल पहले से चल रही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में भारी तबाही मचाई है, जिसके बाद आर्थिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ा है। कांग्रेसी विधायक पर भड़के बीजेपी विधायक, बोले 24 घंटे गांजे की नशे में रहता है। विजयपुर से बीजेपी के विधायक सीताराम आदिवासी ने शिवपुर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल पर निशाना साधा है। दरअसल आदिवासी समाज को लेकर की गई जंडेल की टिप्पणी से सीताराम इस कदर आहत हुए हैं कि उन्होंने कांग्रेसी विधायक को ही नशाखोर बता दिया। राजनीति में शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है, इसका ताजा उदाहरण शिवपुर जिले में देखने को मिला। दरअसल 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नरेश सिंह तोमर की उपस्थिति में शिवपुर कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल ने बाढ़ से पीड़ित आदिवासियों को नगद राशि न दिए जाने की बात कही थी और कहा था कि यदि नगद राशि दी जाएगी तो आदिवासी इस राशि की शराब पी जाएंगे।
मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव से पहले बीजेपी में नवाचार जिला पदाधिकारी को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं प्रदेश में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंत्रियों की बैठक ली। इस दौरान संगठन को मजबूत करने और जनसंवाद को बढ़ाने के साथ उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए नए नवाचार किए गए हैं। अब प्रदेश संगठन ने मंत्रियों के कामकाज पर शीर्ष नेतृत्व ने नजर बना ली है। अब मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ कार्य करना होगा। इसके अलावा ने मंत्रियों के अपने प्रभार वाले जिले में सप्ताह में दो दिन आवश्यक रूप से रहने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी विधायक बोले, सरकार को खत्म कर देगा बिजली विभाग। सामाजिक मुद्दों को लेकर सरकार को खरी खरी सुनाने वाले बीजेपी के मुखर विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार उनके निशाने पर बिजली विभाग है और बिजली विभाग के द्वारा की जा रही कटौती को लेकर अब उन्होंने दो दो हाथ करने का मूड बना लिया है। सतना के बेहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी बिजली विभाग से अच्छे खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की नाकामियों के कारण पूरे सतना जिले की विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है। हालात इतने खराब है कि 24 घंटे में महज 2 घंटे बिजली मिल रही है और 22 घंटों की कटौती हो रही है। किसान से लेकर अधिकारी तक सब इस बिजली कटौती की त्रासदी को झेल रहे हैं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर नीलम पार्क में सांकेतिक धरना। कर्मचारी संगठन अध्यक्ष बोले, मांगे नहीं मानी तो 6 सितम्बर से काम बंद हड़ताल। मध्य प्रदेश में न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर रविवार को नीलम पार्क में सांकेतिक प्रदर्शन करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए प्रत्येक जिले से दो दो पदाधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल होने भोपाल पहुंचे। इनकी प्रमुख मांग, अनमोल ऐप में टैबलेट से जानकारी ANM की जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर से कराने की मांग। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर सिंह भदौरिया ने कहा कि ANM के पास पहले ही ज्यादा काम है। सरकार 4,000 रुपए विशेष भत्ता देने की बात झूठ बोल रही है। ये भत्ता संविदा ANM को दिया जाता है। डराने के नाम पर इसको भी बंद करने का आदेश दिया गया है। इसमें भी आज तक कर्मचारियों को 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिला। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।